शहर को साफ सुथरा बनाने और सकाफती विरसे को बचाने का मंसूबा। मछली मंडी और रिम मार्केट को सगिया के मुकाम पर जगह देने का फैसला। मौजा गंज कला और मौजा बेगम कोर्ट में राजी दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सालेहा सईद कहती हैं, रिम मार्केट 50 केनाल, मछली मंडी को 20 केनाल सरकारी अराजी मिलेगी। मुंतकली में 1 से 1.5 साल लग सकता है। अंजुमन आड़तियान मछली मंडी फैसले पर खुश। मुंतकली के ऐलानात पर जल्द अज जल्द अमल दरामद करवाने का मुतालिबा। हुकूमत बदली, शहर की हालत ना बदली। टूटी सड़कें, अधूरे तरक्याती काम, आवाम के लिए अजियत का सामान। मॉल रोड के करीब मैकलेगन रोड टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक जाम मामूल, पैदल चलना मुहाल, कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर। नेपियर रोड पर भी खड्डे ही खड्डे। 8 माह बाद भी सड़क का तामीराती काम मुकम्मल ना हो सका। पंजाब कार्डियोलॉजी के सामने भी सड़क पर गढ़ा पड़ गया। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरियों का गुजरने में मुश्किलात। इस्लाम पार्क का इलाका भी जौहड़ का मंजर पेश करने लगा। गंदा पानी गलियों में दाखिल, रहायशी बीमार होने लगे। हमजा शहबाज को पंजाब में चेयरमैन पीएसी बनाने का हतमी फैसला। वजीर कानून बिशारत राजा कहते हैं, विफाक में हुकूमत और अपोजिशन तनाव का पंजाब में फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत अपोजिशन से तयशुदा मामलात पर अमल दरामद करवाएगी। वजीर आला और स्पीकर की वापसी पर असेंबली इजलास बुलाया जाएगा। पीएसी के चेयरमैन का चुनाव इलेक्शन के जरिए होगा। इत्तेहादियों में एक और अहदो पैमा, काफ लीग और पीटीआई का बल्दियाती इलेक्शन में मिलकर लड़ने पर इत्तफाक। नईमुल हक और चौधरी शुजात की मुलाकात में फैसला हुआ। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को लंदन में मजीद 14 रोज कायम की इजाजत मिल गई। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक इरफान ने हमजा शहबाज की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। बेटी को दिल का मसला है, तना छोड़कर नहीं आ सकता। हमजा शहबाज ने अदालत से मजीद रुकने की इजाजत मांगी थी। नैब पर पहले ही बड़े इल्जाम लग रहे हैं, अब नैब बेंच भी अपनी मर्जी से बनवाएगा। शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर नैब का एतराज मुस्तरद। नैब ने मौजूदा बेंच तब्दील करने की इस्तदा की थी। केस की समाप्त जस्टिस शहजाद मलिक पर मुश्तमिल बेंच ही करेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट सरदार शमीम खान ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब ने शहबाज की दरखास्त जमानत के खिलाफ दस्तावेजात जमा करा दी। रमजान शुगर मिल्स केस में दलाइल के लिए वकला आज तलब होंगे। नैब में गिरफ्तार साबिक सीनियर वजीर अलीम खान की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने अपनी लीगल टीम को हाईकोर्ट में केस दायर करने की हिदायत कर दी। अलीम खान ने नैब के साथ मुकम्मल तआवुन किया। गिरफ्तारी गैर कानूनी है, लीगल टीम। सानिहा मॉडल टाउन, नई जीआईटी की तहकीकात तेज। केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। शहबाज शरीफ को भी आइंदा हफ्ते जीआईटी के सामने पेश किए जाने का इम्कान। एफआईआर में शामिल पुलिस अहलकारों के बयान कलमबंद। सानिहा मॉडल टाउन की तस्वीर और वीडियो बनाने वाले 9 अफराद का बयान भी रिकॉर्ड। ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली न आई। पंजाब असेंबली का ऐवान ब्यूरोक्रेसी के सामने बेबस। मंजूर होने वाली 18 करारदादें सर्द खाने की नजर। अमल दरामद ना हो सका। अरकान असेंबली में तश्वीश की लहर। मामला स्पीकर के सामने उठाने का फैसला। गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम, डीजी रेस्क्यू 1122 रिजवान नसीर का खाता खुल गया। एंटी करप्शन ने चार्जशीट कर दिया। मैट्रिक पास को ग्रेड 18 में कैसे भर्ती कर दिया? बगैर तजर्बे के कैसे लॉ ऑफिसर तायुनात किया गया? 3 रोज में जवाब तलब। जामियात से असातिज़ा की बरतरफी का मामला। यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का सड़कों पर आने का ऐलान। सदर डॉक्टर महबूब कहते हैं, 19 फरवरी तक असातिज़ा को बहाल ना किया तो भरपूर एहतजाज करेंगे। हुकूमत फौरी तौर पर जामियात में वाइस चांसलर की तकर्रियां करे। असातिज़ा के लिए कौमी पॉलिसी बनाई जाए। गरीब को इलाज के लिए कार्ड मिलेगा। पंजाब में राजनपुर से सेहत कार्ड के इजरा का आगाज।
वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, रवा साल 72 लाख सेहत कार्ड तकसीम किए जाएंगे। सेहत कार्ड से 3.5 करोड़ आबादी को फायदा होगा। कार्ड पर 7,20,000 इलाज की सहूलत होगी। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली का खतरा लाहक, पानी का मसला भी पेश है। आने वाली नस्लों को और ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर मुमलिकत माहौलियात जरताज गुल का फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के हवाले से तकरीब से खिताब, कॉलेज में पौधा भी लगाया। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद विकास नजीर की जेर सदारत इजलास, मॉडल टाउन डिवीजन में क्राइम कंट्रोल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर की काना सर्कल में जराइम की तश्वीशनाक सूरत हाल पर अफसरान की सरजनिश। गार्डन टाउन में 7 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती का वाकया, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की जिना अस्पताल आमद, मुतासरा बच्ची की अयादत की और अस्पताल इंतजामिया को मजीद बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मुतासरा खानदान को इंसाफ की फराहमी के लिए भी हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी। हाई कोर्ट में आसमत जंगीर की बरसी की तकरीब, जजेज और सीनियर वकला की जानिब से मरहूमा को भरपूर खराज अकीदत। जस्टिस अली बाकर नजफी कहते हैं, आसमा जहांगीर को कभी नहीं भूल सकते, आजाद अदलिया के लिए उनके खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। मरहूमा की बेटी मुनीसे जहांगीर का भी इजहार ख्याल, बोली लोग पूछते हैं आसमा जहांगीर का खला कौन पुर करेगा, मेरी वालिदा ने हमेशा असूलों की जिद्दोजहद की और डटी रही। इमोशनल इंटेलिजेंस का उनवान, मोटिवेशनल स्पीकर शोआना मुफ्ती का लम्ज में लेक्चर, मुस्तकबिल के मुअम्मारों की रहनुमाई, जज्बात को दिमाग पर हावी ना होने दें, सबसे अहम ज़ेहनी तनाव में जीना है, मुश्किल कुदरती होती है मगर इसे सर पर सवार ना करें। दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को का उनवान पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीरी मुकाबले, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के तुलबा की शिरकत। साबिक गवर्नर पंजाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल बोले, मुआशरे में इंसानी हमदर्दी के मरबूत मनसूबों की जरूरत है। चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रीसेंट ने नौजवानों को मुल्क कौम का असासा करार दे दिया। नुमाया पोजिशन हासिल करने वाले तुलबा में इनामात तकसीम हुए। सेहत के पैगामात को मुस्बत अंदाज में आवाम तक पहुंचाना, फ्लैटिस होटल में इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सेल की लॉन्चिंग तकरीब। डॉक्टर शगुफ्ता जीरी, डॉक्टर नदीम जका समेत दीगर सेहत प्रोग्राम्स के फोकल पर्सन की शिरकत। शुरका की जानिब से PSPU की सेल बनाने की काविश को सराहा गया और खराज तहसीन पेश किया गया। और शेर पालने के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर, सफारी जू इंतजामिया का शेर और टाइगर के बच्चों की नीलामी का फैसला। 6 माह के बच्चों को नीलाम किया जाएगा, नीलामी की तारीख का फैसला जू मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी के बाद किया जाएगा।